ये पिस्टल्स हैं जो सांबा के रामगढ़ से रिकवर की गई हैं। ये पिस्टल उसके साथ राउंड और किस तरह से कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को दहलाने की, साथ में गोलियां जो है वो साफ यहाँ पे देखी जा सकती है। लेकिन समय रहते जो है विफल किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और लगातार बड़े ऑपरेशन में सफलता जो है वो मिली थी। ये इनके जरिए कोशिश थी कि यहाँ पर जम्मू को दहलाया जाए। सांबा से दो बड़े ऑपरेशन पिछले 24 घंटे में पुलिस की तरफ से अंजाम दिए जाने थे और इस हथियारों को कश्मीर ले जाने का जिम्मा सौंपा गया था लश्कर ए तैयबा के आतंकी, जो कि उनके एक आउटफिट है द रेजिस्टेंस फ्रंट का, जहूर अहमद राथर, जिसको कि परसों देर रात अनंतनाग दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये पूरे वो हस्पताल है जो रिकवरी की गई है। यहाँ पे साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इन्हें देखिए, कश्मीर पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है 7 किलो आईडी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर की है। ये वो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस है जो साफ तौर पे टीवी स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पे एक्सक्लूसिव तस्वीर। जब तक जब जो आतंकवादी पकड़ा है तब ये आईडी एक्टिव नहीं थी, इसलिए वो बड़ा जो हम तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया हुआ था, जिसके बाद ये आईडी जो है वो रिकवर हुई। जिस शख्स से आईडी रिकवर, बातचीत करते हैं, कामयाबी मिली है, क्या करेंगे? ये कल रात एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई है, जिसमें सोहेल नाम का एक आदमी गिरफ्तार हुआ है और उसके 3 और साथी मुख्तलिफ जगह से गिरफ्तार हुए हैं। चंडीगढ़ से एक और साथी गिरफ्तार हुआ है, कश्मीर से 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। इनका मकसद यहाँ पे आईडी लगाने का था। 3-4 लोकेशन उनको पार अल बदर के कमांडर्स के द्वारा दिए गए थे और आईडी लगाने के बाद इसने कश्मीर जाना था और अल बदर तंजीम के साथ जुड़ जाना था एक्टिव टेररिस्ट के नाते। आईडी लगाने का तरीका उसको पार से एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें उसको तार जोड़ के एक तरीके से उसको एक्टिवेट करना था और 15 मिनट के अंदर ये धमाका हो जाता। जिस किस्म की आईडी है, धमाके से जानो माल के नुकसान की बहुत ज़्यादा संभावना थी, जिसको कि प्रिवेंट कर लिया गया है। पुलवामा 2 की फिराक में